पर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से मंगाई गई पीपीई किट पर उठ रहे सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भारत समाचार से खास बातचीत की। बात करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद हैं जयप्रताप सिंह जी। सर, जिस तरह से पत्र लिखा था डीजी हेल्थ एंड एजुकेशन ने, तो क्या उस मामले में कोई जांच की कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ी अभी तक? वो हम लोग को भी ये पत्र की संज्ञान उसका प्राप्त हुआ था और जहाँ तक उसकी कार्रवाई होनी है तो मुझे लगता है कि शायद चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव रजनी दुबे जी शायद उसमें कोई कार्रवाई के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है उनसे। ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आपने जो पीपीई किट की बात कहा है, ये अक्टूबर 19 में हमने मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा खरीदा था। उस समय हमारे पास स्वाइन फ्लू का एक प्रकोप चल रहा था, तो वहाँ की टेस्टिंग के लिए और 6 लोग की समिति बना के कॉरपोरेशन, जिसमें डॉक्टर्स के विशेषज्ञ भी थे, केजीएमयू के भी थे, लोहिया के भी थे, इन लोग के रिकमेंडेशन पर और आईएसओ स्टैंडर्ड पर पीपीई किट्स हमने खरीदे 115 रुपये में। ये उतने तक था जबकि जब कोविड का कोई नाम भी नहीं था, उन्होंने कोविड का तो कोई दस्तक भी नहीं था, हम लोग जानते भी नहीं थे। ये उस बीमारी तक के लिए था जिसमें पर्याप्त था। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।